हिमाचल में भी चुनावी सरगर्मी तेज है। हर सियासी नेता अपनी पार्टी को जिताने के बड़े बड़े दावे कर रहा है, तो वहीं वार पलटवार के साथ साथ अपने कई वादे भी हर पार्टी कर रही है। ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर सोमवार को सोलन में शिमला संसदीय सीट से प्रभारी कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल, कार्यकारी अध्यक्ष और CPS संजय अवस्थी और राम कुमार चौधरी के साथ ही शिमला लोकसभा सीट से प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी ने संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान चुनाव प्रभारी कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनावों को लेकर पूरे तरीके से तैयार है। वहीं इस दौरान उन्होंने BJP पर भी तंज कसा, कहा कि मोदी के नाम पर ही वोट मांगने का प्रयास BJP के प्रत्याशी कर रहे हैं। आज पूरे चाहे वो सिरमौर की बात हो, शिमला की बात हो, चाहे वो सोलन जिले की बात हो, यहाँ की प्रभु जनता जनार्दन, मैं समझता हूँ अब जवाबदेही तय करेगी और निश्चित रूप में एकजुटता के साथ हमारे सभी कार्यकर्ता सोलन शिमला सिरमौर के पूरी मेहनत करेंगे। जयराम सरकार के कार्यकाल के दौरान पूरा हमारा क्षेत्र निग्लेक्टेड रहा, साइड लाइन रहा, और आज इसके विपरीत जहाँ 13 विधायक कांग्रेस पार्टी के और तो 3-4 सीटें जहाँ हमारे को सफलता नहीं मिली, उसका भी प्रमुख कारण ये रहा कि हमारे कांग्रेस पार्टी के मतों का विभाजन हुआ। और अगर आप हमारे इन मतों को इकट्ठा करते हैं तो अधिकतर ये 4 सीटें जो हमने लूज भी की थी पिछले चुनाव के दौरान, यहाँ भी मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी का मत ज्यादा है, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। वहीं रोहित ठाकुर ने कहा कि BJP के प्रत्याशी सुरेश कश्यप जो मैदान में हैं, उनका कार्यकाल निराशाजनक रहा है। विशेष रूप से जो कार्यकाल हमारे वर्तमान के भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुरेश कश्यप जी का रहा, बहुत ही निराशाजनक रहा। अब चौके की बारी, अब पार्लियामेंट के इलेक्शन की बात आती है, चौके के साथ छक्का भी है क्योंकि हमारे को ये उपचुनाव भी 6 मिल चुके हैं। यहाँ पर भी हमें पूर्ण आशा है, जहाँ शिमला संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी अपना परचम लहराएगी, साथ ही साथ ये 6 जगह जहां उपचुनाव हो रहे हैं यहां पर भी हिमाचल की प्रभु जनता जनार्दन टिकाऊ उम्मीदवारों को अपना आशीर्वाद देगी। लोकसभा के चुनाव है, हर पार्टी अपने दावे और वादे कर रही है, वार पलटवार का सिलसिला भी लगातार जारी है। चुनावों के बीच जीत और हार की हेराफेरी में जनता किसके सर पर सत्ता का ताज सजाती है, ये वक्त बताएगा। सूर्य समाचार के लिए सोलन से विशाल वर्मा की रिपोर्ट।